हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दिया है तो आप उसका स्क्वायर रूट किस तरह से निकालेंगे। हम सभी को पता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। अब जब लड़के हैं इसको करने की कोशिश करते हैं तो वो ये करते हैं, स्टूडेंट्स के इसमें पूरा वो लंबा प्रोसेस आ जाएगा आपके स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स की या फिर वो टर्म्स, वो तो करना ही है, मगर उसके बाद फिर ये होता है कि फिर और एक आइडेंटिटी लेते हैं, तो उसको अवॉइड करके हम उसको बस मुख्तसर और शॉर्ट में कर देंगे, बिल्कुल छोटा सा सम कर देंगे। अब आप देखिए, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स के लिए। सो जस्ट एक्सप्लोर करते हैं उसको कि किस तरह से किया जाए। आप इसको स्क्वायरिंग करिए तो आपके पास ये बच जाएगा -24 बगैर रूट के। इसको जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए बी विथ इमेजिनरी टर्म आयोटा। ये क्यों होगा, माइनस बी स्क्वायर क्यों होगा जबकि आपके पास प्लस है, क्योंकि आई है यहाँ पे और आई स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है कि -1। अब जब ये आ गया आपके पास तो इसको जब इक्वेट करिए जैसा हम लोग यूजुअली इक्वेशंस को करते हैं, रियल विथ रियल एंड इमेजिनरी विथ इमेजिनरी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -24 या जो भी आपके पास क्वेश्चन है। ये टू ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास है -10 क्योंकि इमेजिनरी और इमेजिनरी टर्म कैंसिल हो गया। ए बी का प्रोडक्ट हमको दे रहा है -5। बस ये जो आपके पास प्रोडक्ट आ गया यही आपका क्लू है आपके रूट्स निकालने के लिए। जो भी आपको प्रोडक्ट आ रहा है आंसर, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसके रूट्स निकालिए। अब इसके रूट्स क्या होंगे, -1 और 5 हो सकते हैं या 1 और -5, बस इन दोनों को ही लेकर आपको लिखना है। अब आप जब लिखेंगे तो 5 पहले लिखेंगे या -1 पहले लिखेंगे वो आपके मन में रहेगा। तो उसके लिए भी क्लू ये है कि यहाँ पे देखिए कि आपको किस तरीके की वैल्यू है, आपको पॉजिटिव में आ रही है या नेगेटिव में आ रही है। अगर ये पॉजिटिव में है तो बड़ा वाला नंबर पहले ले लीजिए, अगर वो नेगेटिव में है तो छोटा वाला नंबर पहले ले लीजिए। इसका मतलब आपका आंसर अब हो गया प्लस और माइनस, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, प्लस और माइनस -1 प्लस 5 i या +1 -5 i। बस इतना सा सिंपल, आप इजिली कौन सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए एक और एक क्वेश्चन देखते हैं। -7 प्लस 24 i, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मेरे को उसका स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे कि मुझे पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म ए प्लस आई बी होता है, इसकी आइडेंटिटी ले लीजिए, स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए आई बी या टू ए बी आई। सेग्रीगेट कर लीजिए टर्म्स, यानी कि रियल विथ रियल कर लीजिए, इमेजिनरी विथ इमेजिनरी, आपको आपका प्रोडक्ट आ गया 24। उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर आपको अब आया प्रोडक्ट आपका 12। अब ये जो 12 आया, जैसा कि मैंने बताया आपको, फैक्टर्स हम वही लेंगे जिसका डिफरेंस, याद रखिए, जिसका डिफरेंस हमको क्या देगा 7। तो वैसे दो फैक्टर्स आपको लेने हैं, जैसा कि मैं 2, 6 और 12 भी ले सकता हूँ, मगर जब मैं उसको स्क्वायर करके उसका डिफरेंस निकालूंगा तो मुझे 7 आना चाहिए, जबकि 2 और 6 में नहीं आएगा। तो फिर बच गया मेरे पास ऑप्शन 4, 3 करेक्ट एंड -3, -4, ये दो बच गए, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसका प्रोडक्ट। चाहे मेरे पास रूट्स 2 पॉजिटिव भी हो सकते हैं और 2 नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अब इसको लिखेंगे कैसा, प्लस और माइनस में, यानी कि रियल को 4 बनाएंगे या इमेजिनरी को मतलब इमेजिनरी में 4 बनाएंगे, किस में? तो उसकी ट्रिक जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि उसका डिफरेंस नेगेटिव चाहिए, तो कंपलसरी आपका स्मॉलर नंबर पहले रहेगा फिर लार्जर नंबर रहेगा, दैट्स इट। अब आपको इसको लिखने में आगे पीछे, इसको प्लस में लिख लीजिए, इसको माइनस में लिख लीजिए, क्योंकि 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है आपके रूट्स। इतना आसान है दोस्तों। इसी को लेकर आप कौन सा भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट के लिए सॉल्व कर सकते हैं। बस याद आपको यह रखना है कि प्रोडक्ट का जो भी आपको आ रहा है वहीं से आपके रूट्स मिल जाएंगे। साइन जो देखनी है आपको वो डिपेंड, वो डिफरेंस, वो जो 2 नंबर लेने हैं आपको रूट के लिए, वो डिपेंड करेगा आपका डिफरेंस में। बस उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसको आगे तक पहुंचाइए, दूसरों तक पहुंचाइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंजॉय लर्निंग मैथ्स। थैंक यू।